तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं और हमारी फैमिली वाले भी बहुत ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आप आज के नए ब्लॉग में आप लोगों का। तो बताती हूँ भी हो क्या रहा है। फिलहाल अभी हम लोग रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए। तो रील तो बना लिए वैसे हमने, तो बना रहे थे। अभी फ़िलहाल साक्षी बना रही है जिसने पूरा कमरा फैलाया हुआ है, देखो। अच्छी जी रील बना रही है और उसके बाद थोड़ी देर में हम लोग चाय बनाएंगे और फिर चाय पियेंगे उसके बाद। तो गाइस अभी हम लोगों ने थोड़ी सी रील बनाई, दो तीन रील वीडियो। उसके बाद अभी हम लोग जाते हैं नीचे, चाय बनाएंगे अगर नहीं बनी होगी तो, फिर चाय पियेंगे। तो चलो। तो गाइस थोड़ा मैंने अभी गढ़वाली वीडियो बनाई और रील वगैरह बनाए थे इंस्टाग्राम के लिए, और साक्षी ने उसके लिए टकाटक डालती है वो वीडियोज़, तो उसके लिए बनाए थे। तो फिलहाल तो अभी हम लोग नीचे जाते हैं, सर इसको निकाल लेते हैं, इतना भारी सा और नाक में। तो गाइस मैं अपना ब्लॉग आगे का शूट नहीं कर पाई थी, तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 12-13 को करवा चौथ है, तो अभी हम लोग मम्मी वो गेहूँ साफ़ कर रही है। मम्मी ने दूध तो दिए थे पर कल बारिश हो गई थी, तो फिर हम लोगों ने अंदर रखे फटाफट। अभी हम लोग गेहूँ ही संभाले, बाहर धूप में डालेंगे। कल हमने रूम में रखे थे, पंखा चला देते वहाँ पर ताकि ख़राब ना हो। और अभी फ़िलहाल तो हम लोग उनको सुखाने के लिए डाल रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो गाइस देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। देखो गाइस कितने सारे गेहूँ ला गया मम्मी ने, पानी कहाँ से लाई। कल मम्मी ने धोए शाम को, तो बहुत ज़ोर से बारिश हो गई, फिर हमने फटाफट इनको अंदर संभाला। और वैसे मम्मी ने कल धो देते तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मम्मी ने कल रूम में पंखा चला रखा था ऊपर, दिन भर पंखा ही चल रहा था। और उसके बाद मम्मी ने कहा था कल धूप आएगी तो डाल देंगे, तो अभी धूप तो है थोड़ी बहुत, देख लो आसमान में थोड़ी बहुत तो है ही, तो अभी डाल रखे हैं। ये देखो यहाँ पर डाले हुए हैं। और भाई इधर भी और भी गेहूँ हैं, मम्मी इनको भी डाला जा रही है। पता नहीं कितने सारे ला रखे हैं उन्होंने। मौसम देखो, बहुत तगड़ा आ रखा है ना। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा करवा चौथ आ रहा है, तो अभी हम लोगों ने मम्मी के लिए साड़ी वगैरह कुछ नहीं लिया है। तो साड़ी की तो हम लोगों ने पैसे ऑर्डर दे रखा था, मतलब पीको के लिए दे रखी है साड़ी, और बाकी ब्लाउज वगैरह हमने मनमाने के लिए दे दिया है। तो 13 तक शायद तैयार हो ही जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, मैंने मम्मी के लिए हमने कोई ज्वेलरी वगैरह ख़रीदी नहीं, पर ऐसे ही मतलब हम लोगों ने वो ले लिया है बस। साड़ी ली भी नहीं है, अभी वहीं है बाज़ार में ही है, पर पीको के लिए दे रखी है और फॉल वगैरह लगवाने के लिए। तो वैसे सिंपल साड़ी ली हमने, मम्मी साड़ी नहीं पहनती है इसलिए मम्मी साड़ी नहीं भी लेती, वो तो मम्मी ने इस बार ख़रीद ली गलती से। मैं आपको दिखाऊंगी भी करवा चौथ पे, वीडियो बनाऊंगी मैं आप लोगों को। और 12 को भी मैं आंटी लोग आते हैं हमारे घर पर, उनको मेहंदी वगैरह लगा देती हूँ, तो मतलब थोड़ा बहुत ही आते हैं, आता तो नहीं है पर वो ऐसा आता है, फिर मैं बना भी नहीं कर सकती, फिर लगा ही देती हूँ। तो और आप सोच रहे हो कि मैंने जैकेट पहना हुआ है, यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है देहरादून में, बहुत ठंड हो रही है, तो अब मुझे ऊपर से ठंड ज़्यादा लग रही है क्योंकि जुकाम भी हो रहा है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने जैकेट पहन रखा है। बाकी तो मम्मी को ठंड लग नहीं रही है, बाकी सब ने हाफ हाफ पहना हुआ है, मेरे पे लगी है फूल की। तो चलो गाइस हम लोग बनाते हैं चाय, तो अभी मैं फिलहाल चाय बना रही हूँ, पीनी है तो आप आ सकते हो इनवाइटेड। तो गाइस हम लोगों ने पूजा वगैरह कर ली, अब हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खा के फिर हम करेंगे साफ़ सफाई और
तभी मिलूंगी मैं आपको। और गाइस मम्मी ने बनाया है आज कद्दू, पूरी बनाई है, रोटी बनाई है और बाकी वो बनाया करेला और चाय। तो अभी हम लोग खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं बना रही हूँ बुआ जी के लिए अभी चाय दोबारा से, तो बनाती हूँ अभी। चाय तो बनती रहेगी, कुछ देर में खाने का टाइम हो जाएगा, फिर अमन को मेरी चीज आएगी तो बनाएंगे खाना। तो चलो गाइस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तब तक के लिए बाय।